नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, जिस एग्जाम में साइंस आती है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, सिल्वर पर दोस्तों काला धब्बा उत्पन्न होता है सल्फाइड के कारण। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सल्फाइड। नेक्स्ट है, प्रबल अम्लों को रखने की मतबान इनमें से किसके बने होते हैं। बिल्कुल सुपरफास्ट टेस्ट है, स्पीड टेस्ट, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। प्रबल अम्लों को रखने के जो मतबान है दोस्तों में से किसके बने होते हैं, तो सीसा के बने होते हैं। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सीसा। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाष्प कणों के आकार की प्रास क्या होती है, कितनी होती है वाष्प कणों के आकार की प्रास, तो 10^-19 मीटर होती है। कितनी होती है 10^-19 मीटर होती है वाष्प कणों के आकार की प्रास, तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय वैकुंचित होता है, इनमें से चुंबकीय वैकुंचित कौन होता है, तो रेडियो तरंगे होती हैं दोस्तों चुंबकीय वैकुंचित, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेडियो तरंगे ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहजरित है, तो किस वैज्ञानिक की कृति से, सी वी रमन की कृति से सहजरित है दोस्तों विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सी वी रमन। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार इनमें से किसी के कारण होता है, तो किसी तत्व का दोस्तों परमाणु भार इनमें से किसी के कारण होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण होता है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से दोस्तों कौन नहीं है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण, तो नाइलॉन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइलॉन। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो याद रखना ब्रोमीन एक अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, ब्रोमीन एक अक्रिय गैस नहीं है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्रोमीन। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ब्रोमीन, याद रखना। नेक्स्ट, सकर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सकर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा सकर्वी रोग, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग करता है किसको प्रभावित, सप्लिन को प्रभावित करता है दोस्तों मलेरिया, ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, सप्लिन। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन की मदद करता है दोस्तों, याद रखिएगा रक्त को जमाने में, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन की, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। व्यापारिक वैसलिन का निष्कर्षण किससे किया जाता है, पेट्रोलियम से किया जाता है दोस्तों व्यापारिक वैसलिन का निष्कर्षण, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील, दोस्तों देखिएगा विटामिन बी और सी दो ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील है, बाकी विटामिन ए डी ई के ये सभी वसा में घुलनशील हैं, तो विटामिन के यानी ऑप्शन नंबर ए विटामिन के दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है, किस मिश्र धातु का बना होता है, पीतल तांबा और जिंक का बना होता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तांबा और जिंक, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो घेंगा रोग इनमें से किस तत्व की कमी के कारण होता है,
है? आयोडीन की कमी के कारण होता है दोस्तों, घेंगा रोग। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आयोडीन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूरिया निम्न से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया दोस्तों निम्न से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन ही फर्टिलाइजर है दोस्तों। कैसे? नाइट्रोजन है, तो ए रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, पारा निम्न से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों सिनेबार से प्राप्त किया जाता है पारा आसानी से। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, सिनेबार। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी दोस्तों रेडियो सक्रियता की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेडियो सक्रियता, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? इनमें से दोस्तों किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? इस्पात में होता है दोस्तों ध्वनि का वेग, ठीक है, अधिकतम। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इस्पात में। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? दोस्तों टीएनजी का नाम नोबेल तेल, टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बोरेंडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है दोस्तों? कार्बोरेंडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? सिलिकोन कार्बाइड का दूसरा रासायनिक नाम है कार्बोरेंडम। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सिलिकोन कार्बाइड, सी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? किसी के उत्पादन के लिए? पीड़कनाशी के लिए, पेस्टिसाइड के लिए। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पीड़कनाशी, डी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों इनमें से वुड स्प्रिट? तो मिथाइल एल्कोहल को कहा जाता है, याद रखिएगा वुड स्प्रिट किसको कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल को। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मिथाइल एल्कोहल, बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी दोस्तों? ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। किस गैस की? ऑक्सीजन गैस की। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है दोस्तों? बहुत बड़े एग्जाम में आता है, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है दोस्तों, रसायनों का राजा। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी में, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अर्धचालक है? इनमें से दोस्तों कौन एक अर्धचालक है? जर्मेनियम, याद रखना एक अर्धचालक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जर्मेनियम। क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक लवण कौन सा है? हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक लवण लोहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोह, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भोजन में शर्करा की जांच किसको डालकर की जाती है दोस्तों? आयोडीन को डालकर की जाती है भोजन में शर्करा की जांच, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस में होता है? किन परिस्थितियों में होता है? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, सी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का प्रयोग किया जाता है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैरामल का, याद रखना। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है दोस्तों? एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है 3:1, 3:1। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को, ठीक है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है किससे होती है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया बीमारी, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है रेबीज से, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेबीज। नेक्स्ट, एक्यूपंचर किस देश में सबसे अधिक प्रचलित है? एक्यूपंचर दोस्तों चीन देश में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंचर सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है दोस्तों? याद रखना, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को करता है प्रभावित? ल्यूकेमिया को, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है दोस्तों कीमोथेरेपी, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैंसर। नेक्स्ट है, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? इनमें से किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहोल, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, पेट्रोल तथा इथेनॉल बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अमल में पाया जाने वाला अमल कौन सा है दोस्तों? फास्फोरिक अमल होता है न्यूक्लिक अमल में पाया जाने वाला अमल, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, फास्फोरिक अमल सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हशिश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? भांग के फूलों से, हेम्प के फूलों से, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन कौन सा दोस्तों? मस्टर्ड गैस है, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे? अगर आप लोग दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दुग्ध उत्पादन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का किया गया था, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की जो गति है किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है दोस्तों, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्ट्रेबोस्कोप भी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो अमोनिया गैस बनाती है उसे क्षारीय, ठीक है, जी बिल्कुल दोस्तों, पानी में अमोनिया गैस उसे क्षारीय बनाती है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अमोनिया। चलिएगा देखिए नेक्स्ट, कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? किसे किया जाता है प्रयोग? ऑक्जेलिक अम्ल को दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल डी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है दोस्तों? एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम सल्फेट भी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम एलम का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पोटेशियम एलम डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है सूखी बर्फ दोस्तों, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? सिलिकॉन लाया जाता है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, सिलिकॉन क्या है? क्या है सिलिकॉन? सिलिकॉन दोस्तों एक अर्धचालक है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है एक अर्धचालक, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, अर्धचालक बी रहेगा राइट आंसर। देखिए हेलोजन तत्व इनमें से कौन कौन से बहुत बड़े एग्जाम में आता है? हेलोजन तत्व फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एसिटाइन है, तो बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की
क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है दोस्तों, क्लोरीन की परमाणु संख्या। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 17 डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रेमजे ने की थी दोस्तों, अक्रिय गैसों की खोज। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रेमजे ने। तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रोमिन किस वर्ग का है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस वर्ग का है ब्रोमीन? हेलोजन वर्ग का, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हेलोजन। नेक्स्ट है, नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू का पीएच मान लगभग 2.4 होता है, 2.4 होता है दोस्तों नींबू का पीएच मान लगभग। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 2.4 डी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। देखिए, एक नोटिकल या समुद्री मील बराबर कितना होता है? एक नोटिकल या समुद्री मील बराबर कितना होता है दोस्तों? 1.85 किलोमीटर होता है। एक नोटिकल या समुद्री मील बराबर सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 1.85 किलोमीटर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? विलहेम रोंटजेन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, ठीक है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विलहेम रोंटजेन। देखिए नेक्स्ट है, ओटो हान ने अणुबम की खोज इनमें से किस आधार पर की थी? किस आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी दोस्तों ओटो हान ने अणुबम की खोज। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यूरेनियम विखंडन। देखिए नेक्स्ट है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। क्या है दोस्तों? लेड सल्फाइड है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लेड सल्फाइड सी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी धातु लाई जाती है प्रयोग में? लिथियम धातु प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लिथियम डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों फ्लैश लाइट और लेजर में? तो याद रखिएगा, किसका? जिनोन गैस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जिनोन। देखिएगा नेक्स्ट, तारों से आती रोशनी से तारों के किसका पता चलता है? किसका पता चलता है? तापमान का पता चलता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तापमान। नेक्स्ट है, टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? टेबल साल्ट का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट है, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण क्या है? बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण दोस्तों क्या है? घर्षण की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, घर्षण की अनुपस्थिति। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, क्षारीय घोल का मान कितना होता है? क्षारीय घोल का मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है दोस्तों क्षारीय घोल का मान। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 7 से अधिक। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उदासीन घोल का मान कितना होता है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उदासीन घोल का मान होता है दोस्तों 7 होता है उदासीन घोल का मान, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 7 होता है उदासीन घोल का मान। तो ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्षा के जल का पीएच मान जब इनमें से किससे कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वर्षा के जल का पीएच मान किससे कम हो जाने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी? तो 5.6, 5.6 से कम होने पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 5.6 सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुंह के पीएच का मान किससे कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? किससे कम होने पर? 5.5 से कम होने पर दोस्तों दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 5.5 डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। कहाँ होती है? कान में होती है। सबसे लंबी फीमर कहाँ होती है? जांग में होती है। सबसे मजबूत जबड़े की होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है दोस्तों ह्यूमरस हड्डी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऊपरी भुजा में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अगर दोस्तों आप
आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों? कैल्शियम व फास्फोरस है, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कौन सा है? कैल्शियम व फास्फोरस, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं दोस्तों? वृद्ध अवस्था में मनुष्य की जो हड्डियां हैं क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी के कारण दोस्तों कमजोर हो जाती हैं वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम की कमी से डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? फेरोमोन्स सामान्यतः कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा? कीटों के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कीटों के द्वारा, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? इनमें से किस एक को छोड़ने से मिलती है मदद? गैम्बुसिया को छोड़ने से दोस्तों मदद मिलती है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गैम्बुसिया। डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गैम्बुसिया। देखिएगा नेक्स्ट, शीत रक्तीय प्राणी इनमें से कौन सा है? इनमें से दोस्तों शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? बिल्कुल मछली, मेंढक, छिपकली से भी क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है। तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, उपयुक्त सभी डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में दोस्तों कितने कक्ष होते हैं? तीन कक्ष होते हैं मेंढक के हृदय में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, तीन कक्ष, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पावो क्रिसस किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पावो क्रिसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मोर का। नेक्स्ट है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? किडनी का मुख्य कार्य होता है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है दोस्तों? सबसे मीठी शर्करा इनमें से कौन सी है? फ्रक्टोज दोस्तों, याद रखिएगा सबसे मीठी शर्करा है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है दोस्तों? हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी है दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जमुनापारी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है दोस्तों? भैंस की नस्ल है दोस्तों, याद रखना मुर्रा। तो बी ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का कार्य क्या है दोस्तों? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है पेसमेकर का कार्य। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। देखिए नेक्स्ट है, नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? नाड़ी दर कहां से मापी जाती है दोस्तों? धमनी से मापी जाती है नाड़ी दर। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धमनी। देखिएगा नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, डायलिसिस। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितनी बार होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन दोस्तों 72 बार होता है, 72 टाइम्स होता है, ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 72 टाइम्स पर मिनट सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? कौन है? एथिलीन है दोस्तों, याद रखना प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एथिलीन। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? दोस्तों कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? किससे? कवक से निकाले जाते हैं दोस्तों पादप वृद्धि हार्मोन। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कवक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में दोस्तों मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, साइटोकाइनिन सी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, ठीक है ना। बोने पौधों को दोस्तों ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है बोने पौधों को, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है दोस्तों? क्लोरोफिल होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्लोरोफिल। देखिए नेक्स्ट है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं दोस्तों ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग? तो पौधों की वृद्धि की दर मापने के लिए करते हैं ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, पौधों की वृद्धि की दर को मापने के लिए बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे दोस्तों? अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे? सेब से है दोस्तों। अग्नि निर्जा रोग का संबंध ए रहेगा राइट आंसर, सेब। देखिएगा नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए दोस्तों उत्तरदायी है पौधों में फ्लोएम, ए रहेगा राइट आंसर, आहार वहन। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? बहुत बार एग्जाम में आता है, पौधों में जाइलम दोस्तों जिम्मेदार है जल वहन के लिए। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जल वहन। नेक्स्ट है, देखिए किस अंग को रासायनिक कारखाना कहते हैं? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस अंग को कहा जाता है दोस्तों रासायनिक कारखाना? यकृत को कहा जाता है रासायनिक कारखाना। तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यकृत। देखिए नेक्स्ट है, किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? किस विटामिन में पाया जाता है दोस्तों नाइट्रोजन? विटामिन बी में पाया जाता है नाइट्रोजन। तो भी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।